भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। संयम का अर्थ है मर्यादा में जीना, संयम का अर्थ होता है कि एक ऐसी जिंदगी की सीमाओं का निर्माण कर लेना जिससे इंद्रियां बेकाबू होकर के जिंदगी को बर्बाद ना करें। ध्यान रखना, संयम होना चाहिए। वैदिक परंपरा में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, जिसे जैन दर्शन द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री का नाम दिया करता है। मैंने देखा, मैंने सोचा कि दशरथ को दशरथ क्यों कहते हैं और रावण को दशमुख क्यों कहते हैं। दोनों के आगे 10 लगता है, दशानंद और दशरथ। ध्यान रखना, दोनों को यदि देखोगे समझोगे तो इसी निर्णय पर हम पहुंचेंगे, जिसने दशों इंद्रियों को रथ बनाकर उस पर सवार हो गया वो दशरथ कहलाया करता है, और जिसकी दसों इंद्रियों के मुख भोगों के लिए तैयार हैं वो दशमुख हुआ करता है, वो दशानन हुआ करता है, वो दसों इंद्रियों से भोग करता है। उसके पास संयम नहीं है, उसके पास तृप्ति नहीं है। दशरथ के पास संयम है। रोज रहते दोनों ही एक दुनिया में है, एक दशानन बन के जीता है और एक दशरथ बन करके जीता है। जो इंद्रियों के रथ पर लगाम लगा दिया करता है वह दशरथ करके दुनिया में याद किया जाता है। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, राम 10 इंद्रियों को भोगने वाले रावण के घर पैदा नहीं होते, जो 10 इंद्रियों को जीतते हैं उनके घर में राम जैसी आत्माओं का जन्म हुआ करता है। और एक बात स्मरण रखना अपने जीवन में कि भगवान दशरथ का संहार नहीं करते, भगवान दशमुखी दशानन का संहार किया करते हैं। जिंदगी बर्बाद, राम प्रतीक है, यमराज प्रतीक है। ज्यादा भोगों में रहोगे हर जन्म में मौत पकड़ेगी तुमको। ध्यान रखना मान्यवर, मनुष्य हो संयम रखो थोड़ा। जीता पशु भी है, जीता मनुष्य भी है। पशु अपनी पशुता को नहीं खोता है, इंसान अपनी इंसानियत को खो दिया करता है। पशु की भी अपनी कोई मर्यादा है। पशु की तरह मत जियो, पशुओं से सीखो थोड़ा सा अपने जीवन को। पशु तभी खाता है जब उसका पेट भूखा होता है, और आदमी पेट भरने के बाद भी पेटी की चिंता करता है। पेट भरना आसान है, पेटी भरना बहुत कठिन। पेटी किसी की नहीं भरी आज तक, लेकिन एक चिड़िया दाना चुगती है, सुबह से निकलती है, शाम को लौटती है तो अपने मुख में एक दाना भी लेकर वापिस नहीं आती है, वह पेट भरने तक सीमित है। पशुओं की वासनाएं सीमित हैं, उनका एक समय है, एक निश्चित काल में वह वासना से ग्रसित होते हैं। मनुष्य की वासनाओं का कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखना, अंतहीन वासनाओं में डूबता है, जीवन के अंत समय तक वासना में डूबता है। इंद्रियां जवाब देती हैं, मन जवाब नहीं देता है। ध्यान रखना, 24 घंटे। एक बात सोचिए, मैं युवाओं से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, आपसे कहूंगा, 24 घंटे में कोई ऐसा दिन होता है जब आप पंचिंद्री विषय के बारे में नहीं सोचते हो? एक भी दिन? या आहार की चर्चा करेगा आदमी, या परिग्रह की चर्चा करेगा, या मैथुन की चर्चा करेगा? ध्यान रखना, या भय की चर्चा करे? इसके अलावा चार काम के अलावा आप करते क्या है पूरे दिन? कुछ नहीं करते हैं। अरे नींद का देखा जाए ना तो हमसे अच्छी नींद कुत्ते की नींद होती है। ध्यान रखना, ऐसा सोता है कि एक आहट मिले और नींद, और अपन ऐसे सोते हैं कि घर भी लुट जाए तो पता नहीं चलता है। चोर आते हैं, माल बटोर करके ले जाते हैं, आदमी सो ही रहा है, खर्राटे मार रहा है। ध्यान रखना, हमसे अच्छी नींद तो पशुओं की नींद है। ध्यान रखना,
हमसे अच्छा भोजन तो पशुओं का भोजन है। पशु यदि शाकाहारी है वो कभी मांस नहीं खाएगा, ध्यान रखना, चाहे मर जाएगा भूखा, लेकिन मांस रखो तो वो आदमी जो आ रहा है आने दो, अपना भी आने दो, दूसरा का भी आने दो, जिए का भी खाए और मरे का भी खाए, ध्यान रखना। आदमी कितना खाता है विचार कर, आदमी की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं है। एक कुत्ता भी अपने मालिक की रोटी खाता है तो जान लुटा देता है, और एक आदमी इतना स्तर से गिर गया है कि जिसकी रोटी खाता है उसकी थाली में छेद कर दिया करता है, ध्यान रखना। हमसे अच्छा जीवन तो उन पशुओं का जीवन होता है, वो ना समझ कहे जाते हैं, लेकिन हम समझदार लोग ना समझ से भी बदतर जिंदगी गिरते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जब भी पैदा होता है तो अधूरा पैदा होता है, जानवर पूरा पैदा होता है, नारकी पूरे पैदा होते हैं, देवता पूरे पैदा होते, आदमी अधूरा पैदा होता है। महावीर अधूरे ही तो पैदा हुए हैं, पूरे कहां हुए हैं? अरे बोलोगे महाराज हम तो पूरे पैदा हुए, अधूरे कहां पैदा हुए? ध्यान रखना, जानवर हमेशा जानवर ही रहेगा। एक गधा कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी प्यार करो, मरते दम तक क्या रहेगा? वो गधा ही रहेगा ना। घोड़ा बनेगा क्या? घोड़ा कभी हाथी नहीं बन सकता है, हाथी कभी बैल नहीं बन सकता है, बैल कभी बकरी नहीं बन सकता है। ये जीवन के अंत तक जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही रहा करते हैं। नार की जन्म से लेकर मृत्यु तक नार की ही हुआ करता है, वो कुछ और नहीं बन सकता है। देवता जन्म से लेकर मृत्यु तक देवता ही हुआ करते हैं, लेकिन औरंगाबाद वालों मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अधूरा पैदा होता है, और मनुष्य जब पूर्ण होता है तो संस्कारों से पूर्ण हुआ करता है। मनुष्य अधूरा है, उसे संस्कारित करना पड़ता है। कभी बकरे की मां ने, कभी जानवर की मां ने खाना नहीं सिखाया, देवताओं की मां, देवताओं को कभी खाना पीना नहीं सिखाया जाता है, नारकियों को नहीं सिखाया जाता है, आदमी को खाना सिखाया जाता है, आदमी को बोलना सिखाया जाता है, आदमी को कपड़े पहनना सिखाया जाता है, आदमी को भोजन करना, हर चीज तुमने सीखी है। ध्यान रखना, पेट से लेकर कुछ नहीं आए। मैं प्रवचन कर रहा हूं तो पेट से थोड़ी सीख करके आया हूं, यहां आकर मैंने सीखा है। तपस्या कर रहा हूं तो यहां आकर मैंने सीखा है। मनुष्य की हर चीज अभ्यास है। हमने जो भी सीखा है जन्म के बाद सीखा है, ध्यान रखना। जानवर जन्म के बाद कुछ नहीं सीखता है। इसलिए मैंने कहा कि आदमी अधूरा पैदा होता है, वह संस्कारों से पूर्ण हुआ करता है। मान्यवर, आदमी के साथ ऐसा नहीं है, वह इंसान के रूप में जन्म लेता है, और यदि अच्छे संस्कार जीवन में ले आए तो वह इंसान से भगवान बनकर के भी विदा हो सकता है। इसलिए हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर संभावनाएं हैं। एक कुत्ते के अंदर कोई संभावना नहीं है, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन आदमी आत्मा से महात्मा भी बन सकता है, और महात्मा से आदमी परमात्मा भी हो सकता है। हमारे साथ बहुत सारी संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाओं का पुतला कोई है तो वह इंसान हुआ करता है। तुम जो चाहे वो बन सकते हो, तुम आतंकवादी भी बन सकते हो, और सही दिशा मिल जाए तो तुम्हारे अरिहंत अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हो। आतंक की भी संभावना है, अरिहंत की भी संभावना है तुम्हारे अंदर, ध्यान रखना। इस संसार में दुष्ट बनने की भी संभावना है, और तुम्हारे अंदर इस संसार में महान बनने की भी संभावनाएं मौजूद है। अब तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या बनना है। आदमी बीच में है, ध्यान रख, नीचे नरक ऊपर स्वर्ग, आदमी कहां है? बीच में। हमारे पैर है ना वो नरक की तरफ हैं, और हमारा सिर है ना वो स्वर्ग की तरफ है, और हम जो हैं वह बीच में हैं। मां जानते हो क्यों है मनुष्य बीच में, मध्य लोक में है मनुष्य? मनुष्य बीच का है, बीच में है। इसलिए यदि सत्कर्म करे तो आदमी इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है कि स्वर्ग भी नीचा रह जाए और मोक्ष की यात्रा कर सकता है, ध्यान रखना। और आदमी यदि अपने स्तर से गिरता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है कि पशु पक्षी भी शर्मा जाएं, इतना नीचे आदमी का पतन हो सकता है। तुम बीच में हो, कहां चलना है, ऊपर या नीचे? कहते तो सब ऊपर है, लेकिन जाता आदमी कहां है? धरातल की ओर। संस्कारों से, नियम से, संयम से आदमी पूर्ण हुआ करता है।
मान्य, एक लक्ष्य बनाओ। किसी की उम्र 70 साल होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 40 होगी, क्या किया इस जीवन में, जैसा अभी तक जिया है वैसा ही जीना है या कुछ चेंज करना है, ध्यान रखना। बस जो जीवन को बदलने का नाम है ना, उसका नाम संयम हुआ करता है, ध्यान रखना। असंयम से आदमी की जिंदगी तो पशु के समान होती है। पशु जब चाहे तब भोग लिया, जब चाहे तब सो लिया, जब चाहे तो बच्चा पैदा कर लिए, एक घोंसला बना लिया। तुम भी तो यही कर रहे, कर क्या रहे, एक मकान बना लिया तो चिड़िया भी अपना घोंसला बना रही। पिंटू मकान बन रहा है ना अपना, ना रोज देखता हूँ, ध्यान रखिए। बना लिया, बोले क्या किया, बहुत बढ़िया मकान बनाया। अरे आदमी के मकान बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत होती है, आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, ठेकेदार की जरूरत होती है। और एक बड़ा बया चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है ना, ना वो आर्किटेक्ट होती, ना इंजीनियर होती है, ना वो ठेकेदार होती है। कहाँ से उसने ऐसी पढ़ाई सीख ली, एक घोंसला बनाती है, वो भी डबल स्टोरी का बनाती है, उसको भी औरंगाबाद की हवा लग गई है, ध्यान रखना। अब सिंगल में काम नहीं चलता है, बया चिड़िया का घोंसला एक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ज्यादा हवा लगेगी बंबई की तो 20 फ्लोर का भी बना करके रख देगी, ध्यान रखना। आप सोचो उस चिड़िया ने कौन सी स्कूल में पढ़ा होगा। एक बात ध्यान रखना, आपकी बिल्डिंग भूकंप के झटके में गिर सकती है, लेकिन उसकी धागे में और तिनके में बना हुआ घोंसला आंधी तूफान में भी नहीं गिरा करता है। कितना मजबूती से वह अपना घोंसला बनाती है, कितनी कला उसके अंदर। एक चोंच है, एक चोंच से 3 काम करती है, खुद का भी दाना खाती है, बच्चे को भी खिलाती है, और उसी चोंच से मकान भी बना लिया करती है, ध्यान रखना। इतना हुनर तो आदमी के जीवन में नहीं होता। किसने पढ़ाया उसको, किसने दिए शिक्षाएं, कहां की डिग्रियां ली उसने, विचार करिए। आपसे कह दिया जाए ना आप मकान बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ तिनके दे दिए जाएं और कहा कि घोंसला बनाओ, तो मैं सोचता हूं अच्छा अच्छा आर्किटेक्ट भी फेल हो जाएगा, लेकिन चिड़िया जैसा घोंसला, जैसे एक एक धागा लाती है, तिनका लाती है, मैं देख रहा हूं ऊपर खिड़की से देखता हूं, चिड़िया जाती है एक एक तिनका उठा के लाती है, किसी दुकान से रस्सी मुंह में पकड़ के ले आती है, कहीं से धागा लिया, कैसे बिनाई करती है, कैसे बुनती है। जैसे आदमी स्वेटर बुनता है उससे भी अच्छा मजबूत, और इतना मजबूत कि आंधी तूफान भी उसे नहीं गिरा पाता है। ए आदमी, तू अपनी किस कला पे अकड़ता है, तेरी से अच्छी कला तो जानवरों के पास हुआ करती है, ध्यान रखना। बिना पढ़े लिखे, बिना डिग्रियों के, ध्यान रखना। कौन सा काम कर लिया तुमने, मकान बना लिया तो, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ध्यान रखिए। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं, खाने का जुगाड़ कर लिया पागल, जानवर भी कर लेता है। एक कुत्ता भी दिन भर में अपना पेट भर लेता है, ध्यान रखना, यहाँ वहाँ घूम करके वह भी पेट भर लेता। तुमने मकान बनाया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, तुमने पेट भर लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, तुमने बच्चे पैदा कर लिए, जानवर भी कर लेता है। आदमी इतना मूर्ख है, औलाद नहीं हो तो भगवान से मांगता है। कभी देखा किसी भैंस ने किसी मंदिर में बच्चा मांगा हो कि हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दे। अब बोलो भैंस समझदार है या तुम समझदार हो, विचार करिए। भैंस जानवर प्रार्थना नहीं करता बच्चों के लिए, उसके तो अपने आप हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। विचार करना है, बच्चे पैदा कर लिए कोई महान काम नहीं किया है, मकान बनाया कोई महान काम नहीं किया, भोजन की व्यवस्था की कोई महान काम नहीं किया। आदमी इसलिए महान नहीं है कि रोटी कपड़ा की व्यवस्था कर लेता है, आदमी इसलिए महान है कि सुबह से उठकर पक्षी जो होता है वह भोजन की तलाश करता है, और आदमी जो होता है यहां बैठ के भगवान का भजन किया करता है। इसलिए इंसान महान है, पशु के स्तर से हम ऊंचे। अभी देखो ना औरंगाबाद में 5 बजे 4 बजे खचाखच पंडाल भर जाता है। अरे जानवर भोजन ढूंढता है और इंसान भगवान का भजन करने के लिए यहां पर है। ये मानवता है, ये हमने कुछ सीखा है, ये संयम है, ये साधना, ये तपश्चर्या है, ध्यान रखना। जानवर और इंसान में इतना ही अंतर होता है कि जानवर अपने रहने के लिए घोंसला बनाता है, लेकिन आदमी अपने रहने के लिए मकान ही नहीं बनाता, मकान के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाता है। इसलिए आदमी महान हो जाया करता है।